सो अभी हम जा रहे हैं चाइना टाउन, सी यू देयर। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ प्रणय है एंड मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग चाइना टाउन में है एंड वी आर गोइंग टू थाई हॉकेंग टेम्पल। उससे पहले भूख लग रही है तो वी माइट गो टू अ कैफ़े। दिस प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ कैफेज, मैंने भी अभी तक कोई नहीं देखा है। दिस वन कैफ़े मैं देखता हूँ वो खुला है कि नहीं, एल्स विल सर्च फॉर अ डिफरेंट कैफ़े है जहाँ पर हम जाके कुछ खा सकते हैं। अगर कैफ़े नहीं भी खुला होगा यार तो चाइना टाउन में क्या है ना, आपको बहुत सी सस्ती चीज़ें खाने पीने का मिल जाता है। अगर कैफ़े नहीं भी मिला तो आई थिंक कुछ खाने पीने का मिल जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत से सस्ते खाने पीने के ऑप्शंस रहते हैं जनरली चाइना टाउन में। एंड दिस प्लेस इज़ बेसिकली फेमस फॉर टू थ्री थिंग्स। एक, आप जो सोविनियर्स होते हैं जब सिंगापुर आते हो आप, तो यहाँ से ख़रीद लो, यहाँ पे बहुत बारगेन होता है, बहुत सस्ते में मिल जाता है एंड बहुत सी वैरायटी भी होती है। द पॉइंट इज़ वैरायटी बहुत होती है, प्राइसेस मोर और लेस हर जगह सेम ही होते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बारगेन हो जाता है। सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे टेंपल्स, दो टेंपल हैं, एक बुद्धा टेंपल है एंड द अदर वन इज़ जहाँ हम जा रहे हैं थाई हॉकेंग टेंपल एंड दैट इज़ द ओल्डेस्ट चाइनीज़ टेंपल इन सिंगापुर। थर्ड थिंग इज़ यहाँ पे बहुत सारे चिल आउट करने के लिए कैफ़े हैं, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि एक कैफ़े में थोड़ा ट्राई करके देखा जाए कैसा है। बट लेट्स सी क्या खुला है एंड व्हाट इज़ अवेलेबल, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ द कॉफ़ी शॉप, मैं आपको बता रहा था, मैंने गूगल पर रेटिंग चेक करी थी, ठीक थी, इट शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। दिस इज़ नानियांग ओल्ड कॉफ़ी शॉप एंड दिस इज़ राइट एट द स्टार्टिंग ऑफ द चाइना टाउन फूड स्ट्रीट है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में वो दिख जाएगी। आप वहाँ चलते हैं, लेट्स ऑर्डर समथिंग, फिर वहाँ से टेंपल पर चलेंगे। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी एंड बटर टोस्ट लिया। बटर टोस्ट जो था दैट वाज काया बटर टोस्ट, पर मुझे काया समझ नहीं आ रहा था अब क्या होता है। दैट इज़ बेसिकली, अभी मैं गूगल कर रहा हूँ, तो काया इज़ नथिंग बट इट्स वेरी स्वीट कोकोनट कस्टर्ड मेड विद कोकोनट मिल्क एंड शुगर थिकेंड विद एग, फेमस इन रीजन्स लाइक मलेशिया, फिलिपीन एंड सिंगापुर। तो वेज हो मतलब वेज नहीं, एग से बनता है, सो समथिंग आप ले सकते हो, मेरे को पता नहीं था। एंड $5 इज़ अ गुड प्राइस फॉर कॉफ़ी एंड बटर टोस्ट। कॉफ़ी इज़ ओनली फॉर $2, तो इंडिया में भी थोड़ा सा महंगा है इंडिया के हिसाब से, बट सिंगापुर के हिसाब से आई थिंक इट्स ओके। सो चाइना टाउन जो है एकदम सिटी सेंटर में है यार, तो आपको यहाँ पे बार एंड कॉफ़ी शॉप्स बहुत सारे मिल जाएंगे। जिस जगह हम गए थे नानियान कॉफ़ी शॉप, इसकी गूगल पे रेटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस जो ऐसा मेरे को एम्बियंस से कुछ लेना देना नहीं था, सस्ती जगह देखनी थी कि आई कैन गो क्विकली ग्रैब अ ड्रिंक, थोड़ा बहुत खा लिया चकना टाइप एंड तुरंत घूमने निकल जाओ। सो दैट इज़ अ गुड प्लेस, आई सजेस्ट दैट। उसके सामने से एक गली आती है, दिखेगी आपको, आपको उससे आ जाना है, गूगल मैप से आपको रास्ता मिल जाएगा। आई एम ऑलमोस्ट देयर। इधर का व्यू तो बहुत मस्त है, अब टेंपल के अंदर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेंपल इन सिंगापुर, बट जब इंडिया से आ रहे होते हैं तो इसके बारे में पता नहीं होता। यूजुअली एक दूसरा बुद्धा टेंपल है जो कि आपको मेन रोड पे दिख जाता है, दैट इज़ प्रिटी फेमस एंड वो ही लोग विजिट करते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस प्लेस। इसमें क्या था कि जब लोग चाइना से यहाँ से चाइना जाते थे, सो दिस वॉज अ वेरी यू नो फॉर गुड लक, दे यूज़ टू कम हेयर एंड वो पूजा करके जाते थे। एंड कोई चाइना से यहाँ आता था एज अ फिशरमैन या सेलर,
पहले यहाँ पे आता था टू टेक द विशेस एंड फिर वो अपना काम करता था यहाँ पे। तो उस तरीके से भाई चाइनीज़ कम्युनिटी वो जो था एज अ वर्शिप हॉल डेवलप हुआ था एंड इवेंचुअली इट कन्वर्टेड इनटू अ टेम्पल। अब बात नहीं करते, अब चलते हैं। ये था थाई हॉन्गकॉन्ग टेम्पल, सिंगापुर का सबसे पुराना टेम्पल। हर जगह हम शूट नहीं कर सकते थे पर जहाँ जहाँ परमिशन थी मैंने उधर उसको शूट किया एंड आपको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया। एंड मैं हर हफ्ते पोस्ट करता हूँ सिंगापुर के बारे में, कोई ना कोई जगह कवर करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू नेक्स्ट वीक। फिन।